माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप जी सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज सुबह सुबह का टाइम है और सबसे पहले आज हरियाली तीज है, तो आप सबको हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह सुबह का टाइम है, सोचा था कल मेहंदी लगा लूँगी तीज से एक दिन पहले, बट लगा ही नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिल पाया। थोड़े टाइम की वजह से मेहंदी नहीं लग पाई मेरी। तो सुबह सुबह का टाइम है, मन्नत को बस भेजा है मैंने, अभी 7 o'clock हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने मेहंदी लगानी शुरुआत कर दी, क्योंकि श्याम ने मैंने मेहंदी नहीं लगाई इस वजह से, श्याम ने मेहंदी लगानी थी मेरे को, बट जो मेहंदी लगाने वाली लड़की थी ना वो चली गई थी, और मतलब मेरे पड़ोस में लगा के, तो फिर लेट हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा श्याम ने लगा के सो जाऊंगी, बट श्याम ने फिर उन्होंने बोल दिया कि हम सुबह आ जाएंगे। तो अब सुबह उठते मैंने सोचा कि सुबह बहुत सारा काम हो जाता है, तो इस वजह से एक हाथ के ऊपर पोरीवर लगा लूँ और अपना बीच में एक टीका लगा लेती हूँ, तो मेरा तीज का त्यौहार बन जाएगा। बट जब तक मैंने मेहंदी लगा के, क्योंकि आजकल केमिकल की मेहंदी होती है, तो 15-20 मिनट में एक अपना कलर छोड़ना शुरू कर देती है ये, लेकिन जब तक मैंने अपने पोरुए रचाए थे तो सुबह सुबह ही फिर वो लड़कियां आ गई थी ना। तो फिर एक बार तो मैंने सोचा था कि मेहंदी नहीं लगवाऊंगी, फिर मैंने सोचा यार ये आ गई ना तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, लड़कियों को वापस भेजना, वैसे भी त्यौहार है, त्यौहार के दिन। तो फिर मैंने लगवा ही लिया, मैंने सोचा देखा जाएगा, काम बाद में कर लूँगी। देखो किसी किसी दिन हम डेली सुबह जल्दी काम करते हैं उठते ही, और काम तो हमारा रहता ही है, काम करना है काम करना है, ये तो रहता ही है डेली का वही काम। तो मैंने आज काम को थोड़ा अवॉइड करा है, क्योंकि वैसे फेस्टिवल वाले दिन मैं डस्टिंग वेस्टिंग का काम नहीं छेड़ती हूँ ज़्यादा हेवी, उस दिन मैं थोड़ा सा खाने पीने के ऊपर ही थोड़ा ध्यान ज़्यादा देती हूँ और अपने इंजॉय करने में टाइम लगाती हूँ, टाइम देती हूँ पूरे दिन का। तो मैंने सोचा दिन में कर लूँगी, लेकिन सबसे पहले मेहंदी लगवा लेती हूँ, त्यौहार मन जाएगा। तो ये देखिए खूब सुंदर सी मेहंदी मेरे लग के हो गई तैयार, और अभी ये मानो कि मेरी हल्की हल्की सूखी है, पूरी सूखी भी नहीं है, पर इसने है ना देखो कलर छोड़ना भी शुरू कर दिया है, और बहुत अच्छी मेहंदी रची थी। उसके बाद में देखो जो मेरी मेड आई थी, झाड़ू पोछा तो खैर वो करती है, लेकिन जो और काम बचे हैं मेरे, वो किचन के काम हैं वो बचे हैं अभी मेरे। तो सबसे पहले मैं नहा के आ गई हूँ और अपना सिर भी मैंने धुल लिया है, मेहंदी भी मैंने उतार ली है, अभी थोड़ी हल्की हुई है पर हो जाएगी ये, मतलब ज़्यादा कलर छोड़ देगी मेहंदी, क्योंकि केमिकल की मैं बता रही हूँ ना, आजकल केमिकल की मेहंदी आती हैं तो ये अपना रंग तो खूब छोड़ती हैं। तो अभी तो मेरे कम रची है बट ये गाढ़ी हो जाएगी। और अब सबसे पहले अपना चूड़ी का पटारा लेके आई हूँ, तो उसमें से अपनी चूड़ियाँ देख रही हूँ ग्रीन कलर की, और मैंने ये ग्रीन कलर का सूट सिला है अपना, और तीज के लिए सिला है मैंने ये, और तो इसके साथ में मैं ग्रीन कलर की चूड़ी देख रही हूँ, और साथ में इसमें जैसे येलो कलर का वर्क है, कढ़ाई है ना सूट में, तो मैंने येलो के साथ थोड़ा मैच किया है येलो और ग्रीन का, और इसकी चुन्नी भी खूब सुंदर है, मतलब मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत सुंदर है। तो ये वाला मेरा बन गया चूड़ी का सेट, देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो वैसे तो देखो हम पहनते नहीं हैं, एक एक दो दो चूड़ियाँ रखते हैं, लेकिन जब फेस्टिवल आते हैं ना तब तो अच्छे से तैयार होना चाहिए, और तीज का त्यौहार तो ऐसा है कि ये सुहागन महिला होती हैं वो खूब सिंगरती हैं, खूब ज़्यादा ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती हैं, देखो आज भी मनता है तीज का त्यौहार तो, और बनाना भी चाहिए अपने कल्चर को है ना, हमें भूलना भी नहीं चाहिए। एक बार ऐसा हो गया था मेरा भी, एक बार मैंने ऐसा हो गया था कि बीच में जैसे मैं भी थोड़े फेस्टिवल आते थे ना तो मेरे भी फीके फीके से जाते थे, लेकिन फिर मैंने दोबारा से अपनी हिम्मत जुटाई है कि नहीं नीलम ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो हमारे कल्चर है ना उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जो तीज त्यौहार आते हैं अगर हम भूल जाएंगे तो हम आने वाले हमारे जो बच्चे होंगे वो तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे इस चीज़ को, तो जो घर में बड़े बूढ़े जो चलाते आ रहे हैं उस रीत को, ज़्यादा नहीं कर सकते हम, उतनी ज़्यादा नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ तो करो, थोड़ा बहुत तो करो। तो इसी वजह से बस मैं अब फेस्टिवल को है ना अब मैं मनाने लग गई हूँ। पहले जैसे हाँ खाना पीना मैं बना लेती थी, लेकिन प्यार व्यार होना, एक थोड़ा सा अलग जो होता है ना फेस्टिवल वाले दिन का माहौल, वो वाला नहीं होता था, लेकिन अब मैं दोबारा से वो चीज़ें धीरे धीरे मैंने करनी दोबारा से शुरू कर दी है, और देखिए मैं हो गई हूँ तैयार,
और सिर वॉश करा था ना, तो क्योंकि मेरे को किचन में जाना है और खुले बाल छोड़ूंगी तो बाल गिरेंगे किचन में, तो मैंने सोचा कि ड्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ड्राई हो जाएंगे ना तो फिर ये है कि बालों को बांध के और किचन में काम हो जाएगा, और किचन में खुले बाल छोड़ूंगी ना तो आजकल इस मौसम में है ना बाल बहुत ज़्यादा निकलते हैं मेरे मेरे क्या सबके निकलते होंगे, पर मेरे तो कुछ ज़्यादा ही निकलते हैं। और लास्ट फाइनल लुक था मेरा ये, और ये खूब सुंदर चुन्नी है इसकी लहरिए की, रेड और येलो और हल्की सी किसमें ग्रीन है, इसमें मल्टी कलर टाइप का है और जिसकी कढ़ाई में है और ये ग्रीन कलर का है। देखो वीडियो में तो थोड़ा सा ये कुछ डार्क ज़्यादा डार्क आ रखा, बट ये डार्क ग्रीन होता है ना वो वाला कलर है, और इसमें येलो कलर के धागे से और रेड कलर के धागे से खूब अच्छी कढ़ाई हो रखी है, मतलब बहुत अच्छी कढ़ाई हो रखी है। तो तैयार होने के बाद में ये था मेरा तीज का लुक, और अम्मा आ गई हूँ किचन में, तो सबसे पहले खीर तो मैंने रख दी थी जब मैं नहाने गई थी, उससे पहले मैं खीर रख के चली गई थी, तो ये मानो कि खीर तो मेरी बनने वाली है। वैसे तो देखो जब और सामान बनेगा तो मतलब, क्योंकि त्यौहार के ऊपर खीर तो बनती है, चाहे भले ही खाओ या ना खाओ, अब नहीं खाएंगे तो सुबह खा लेंगे शाम को खा लेंगे, बट भगवान जी को भोग लगाने के लिए मैंने खीर ज़रूर बनाई है। और हाँ इस बार मेरे ठाकुर जी नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो भी मेकअप करवाने गए हैं भाई, उनका भी तो बर्थडे आने वाला है, तो इस वजह से है ना मेरी कुछ ज़्यादा ही सुनी सुनी लग रही है तीज, नहीं तो मैं मेहंदी भी नहीं लग, क्या पता मेरे को टाइम भी नहीं मिलता सुबह, क्योंकि लड्डू मेरे ठाकुर जी होते ना घर में, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता मेहंदी वेहंदी लगाने का, और ठाकुर जी नहीं थे ना तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया, तो मैंने अपना काम निपटा लिया है और खीर मेरी बन के हो गई है तैयार। और अब मैं बनाऊंगी गुलगुले और पकौड़े, और हाँ पकोड़े मैं सोच रही हूँ एक दो तरह के बना देती हूँ, क्योंकि पकोड़े थोड़े खाए भी जाएंगे आजकल, और मीठा तो कौन खाता, मीठा तो खैर ये है कि मैं थोड़े से रीति रिवाज जो चलती आ रही है ना, तो सोचा थोड़े से गुलगुले बना देती हूँ, क्योंकि जो हम छोटे थे ना तो हमारी मम्मियाँ तो बहुत सारे गुलगुले छुआली मतलब मठरी वठरी बहुत बनाते थे और हम बहुत खाते थे, वो वाला तो सिस्टम आजकल रहा नहीं, तो फिर मैंने सोचा तीज के ऊपर तो गुलगुले शिवाली बनते हैं, तो थोड़े से गुलगुले बना लेती हूँ, कुछ खाए जाएंगे कुछ, मतलब एक दो दिन गुलगुले तो ये है कि फ्रिज में रख देंगे तो एक दो दिन भी खाए जाएंगे। तो बस मैं अब आ गई हूँ किचन में। Thank you.
सबसे पहले मैंने बनाई गुलगुले, उसके बाद में मैंने बनाई है आलू की पकौड़ी, उसके बाद में बनाई है मैंने प्याज की पकौड़ी, क्योंकि आलू की पकौड़ी की भगवान जी को भोग लगेगा और प्याज की पकौड़ी पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी प्याज की पकौड़ी भी बनाई देती हूँ, क्योंकि देखो जो पसंद हो, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ, लेकिन थोड़ा थोड़ा बनाओ, चाहे भले ही सबके लिए सबकी पसंद का बनाओ फेस्टिवल के ऊपर। तो ये मेरी बन के हो गई है तैयार। और आलू की जो पूड़ी, वो क्या है, जो पकोड़ी है आलू की, वो मैंने खाली एक बार ही फ्राई करी है, वो मैंने दोबारा फ्राई नहीं करी है वो। हाँ, अब जब जैसे मैं दो बार फ्राई करती हूँ, क्योंकि जब एक बार फ्राई करते हैं ना तो हमारा जो आलू होता है वो कच्चा रह जाता है, तो इतना टेस्ट नहीं आता, इतना कुरकुरा नहीं बनता। और हम दोबारा जब इसको फ्राई करते हैं ना, दोबारा जब करो तो थोड़ी सी स्लो आँच पे फ्राई करना, तो ये कुरकुरी और बहुत अच्छी बनेगी। और अब मैं कर रही हूँ भोग की तैयारी। भोग की थाली में मैंने ले लिया भगवान जी के लिए भोग, खीर लिया है और घेवर मैंने पहले मंगवा लिया था। घेवर मैंने घर में नहीं बनाया इस बार, कई बार मैं बना लेती हूँ, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, एक दो बार तो बनाया हुआ है, नहीं तो फिर बाहर से मंगवा लेते हैं। तो घेवर मैंने पहले मंगवा लिया था, तो घेवर का और पकौड़ी का, गुलगुले का और खीर का भगवान जी को लगेगा भोग। और हाँ, जब मैं मंदिर में आई हूँ ना, तो मंदिर में मेरे ठाकुर जी का सिंहासन बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा है, और उसके लिए मैं बड़ी अच्छी ड्रेस भी लेके आई थी, ग्रीन कलर की, सोचा था दीपावली इसके सॉरी तीज के ऊपर पहनाऊंगी, बट पहनाए नहीं पाई, क्योंकि थोड़ा सा उनका है ना मेकअप निकल रहा था, और जो मैंने पिछली बार मेकअप करवाया था ना, तो थोड़ा सा अच्छा मेकअप नहीं किया था, तो इस वजह से फिर मैंने, अब मैंने सोचा पहले ही दे देती हूँ। और उन्होंने इस बार है ना, मैंने किसी और को दिया है, अब की बार कौन टेम्पल में देखे आई हूँ, सेक्टर 24, आप लोगों को जो दिल्ली से होंगे ना, उनको तो पता होगा कौन टेम्पल का, तो मैं वहाँ देखे आई हूँ, उसमें मैंने सुना है कि बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, तो सोचा कि जन्माष्टमी से पहले करवा लूँ, क्योंकि जन्माष्टमी पे बहुत सारे लोग करवाते हैं ना, तो फिर बाद में भीड़ भड़ाका हो जाता है, तो अब मैं कर लेती हूँ पूजा। और हाँ, सबसे पहले सारी देवियों को सिंदूर चढ़ाया, उसके बाद में मैंने अपना सिंदूर लगाया, और अब मैं कर लेती हूँ आरती और पूजा करके। ये था मेरा तीज का व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को? और मैं ऐसे ही बनाती हूँ अपनी तीज, और कोशिश करूँगी अगली बार और ज़्यादा अच्छी बनाऊँ। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।